নমস্কাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত হংছ কিছকা নামৰ পাঠ দি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে সিদ্ধাৰ্থ কণ থা সিদ্ধাৰ্থ কোন আছিল সিদ্ধাৰ্থ এক ৰাজকুমাৰ থা सिद्धार्थ एजन राजकुमार आन दर्द से तरप रहा था कृद आसिल एक घायल हंस दर्द से तरप रहा था आघाप्राप्त राजे विषत आसिल किसने हंस को घायल किया था कोने राजूक तो आघातप्रा देवदत्त ने हंस को घायल किया था देवदत्ते दते राजहाटुक आघात प्राप्त करिसिल कोन कहां टहल रहा था कुने कोत खुसकाही आसिल सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहा था हिद्धठय बगीसार खुसकाही आसिल हंस घायल कैसे हुआ राजहाटू केने डरे आघात प्राप्त होल देवदर से चलाया हुआ तीर হাছ কে শৰীৰ মেঘ জানেকে ৱজহছে হংছ ঘায়ল হোৱা দেৱদ্টে মৰা কাৰডাল ৰাজহাঁহটোৰ শৰীৰত সোমোৱাৰ বাবে ৰাজহাঁহটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল সিদ্ধাৰ্থনে হাংস উপচাৰ কেছে কিয় সিদ্ধাৰ্থই ৰাজহাঁহটো কিদৰে শুশ্ৰূষা কৰিলে সিদ্ধাৰ্থ নে ঘায়ল হাংছকো উঠাকাৰ उसके शरीर में धसे तीर को निकाला और उसे पानी पिलाया इस प्रकार सिद्धार्थ ने हंस का उपचार किया सिद्धार्थ आघात राजू उठाले और हे राजटर कारडाल उलियाले उलियले राज पानी खुआ एनेदरे सिद्धार्थ राजुश्रूषा महाराज ने किसके पक्ष में फैसला दिया और क्यों महाराजे कार पक्षे मतामत दिले और क्यों महाराज ने सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था और मारने वाले से बचाने वाले का हक़ ज़्यादा होता है महाराजे सिद्धार्थर पक्षे मतामत दिले कारण সিদ্ধাৰ্থই সেই ৰাজহাটোক বচাইছিল বচাইছিলে আৰু প্ৰাণ লোৱাতকৈ প্ৰাণ বচোৱাজনহে কি হয় শ্ৰেষ্ঠ আৰু প্ৰাণ বচোৱাজনৰহে অধিকাৰ বেছি থাকে এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আৰু এবাৰ পঢ়ি ল'ম সিদ্ধাৰ্থ কণ থা সিদ্ধাৰ্থ এক ৰাজকুমাৰ থা কণ দৰ্প ৰহা থা एक घायल हंस दर्द से तड़प रहा था किसने हंस को घायल किया था देवदत्त ने हंस को घायल किया था कौन कहाँ टहल रहा था सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहा था हंस घायल कैसे हुआ देवदत्त से चलाया हुआ तीर हंस के शरीर में घुस जाने के वजह से हंस घायल हुआ सिद्धार्थ ने हंस का उपचार कैसे किया सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठाकर उसके शरीर में धसे तिर को निकाला और उसे पानी पिलाया इस प्रकार सिद्धार्थ ने हंस का उपचार किया महाराज ने किसके पक्ष में फैसला दिया और क्यों महाराज ने सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था और मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है याद से सही शब्द सुनकर वाक्य पूरे करे मान सठिक शब्द तो आमी वाक्य तो सम्पूर्ण लगे सिद्धार्थ बगीचे में तहल या दिया से रहा था रहे थे, रही थी, हम सिद्धार्थ बगीचे में तहल रहा था देवदत्त हंस को यादिया से बुला था। रहा था पकड़ रहा था ढूंढ रहा था देवदत्त हंस को ढूंढ रहा था हंस दर्द से याद्या से चहक रहा था तड़प रहा था उछल रहा था हंस दर्द से तड़प रहा था अद्वित बाक्यों की तरह कने के होब सिर् बगीचे में तहल रहा था देवदर्द हंस को ढूंढ रहा था हंस दर्द से तरप रहा था याद इतना पर्यावस्य शब्द बा समरणार्थी शब्द आम कि कौ हमार्थक शब्द माने एक अर्थ बुझा शब्द सबेरे प्रभात सुबह बगीचा उपवन ब, बाग आकाश गगन

ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সমৰ্থক শব্দবোৰ ভালদৰে মনত ৰাখিবা ধন্যবাদ